नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में खेले जाएंगे। पहली बार इन खेलों का आयोजन कई शहरों में होगा। इनमें मेलबर्न, जिलोंग, बेडिंगो, बेलरेट और गिप्सलैंड जैसे शहर शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी CGF ने यह घोषणा की कि प्रारंभिक सूची में T20 क्रिकेट सहित 16 खेलों की सूची जारी की गई है जो इन खेलों का हिस्सा होंगे। इस सूची में निशानेबाजी, तीरंदाजी और कुश्ती जैसे खेल शामिल नहीं हैं। कुश्ती, निशानेबाजी जैसे खेलों में पिछले कई संस्करणों में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। आइए इन सब में सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में किसी खेल को शामिल करने की क्या प्रक्रिया होती है। आपको बता दें कि पिछले साल राष्ट्रमंडल खेल संघ यानी CGF ने सन 2026 और सन 2030 के खेलों के लिए कुछ बदलावों का ऐलान किया। इसमें आयोजन करने वाले देश को अलग अलग खेलों के कोर ग्रुप से खेलों को चुनने की छूट मिली। ऐसा करने के पीछे कारण भी बताया गया। कहा गया कि इससे जिस देश में जो खेल लोकप्रिय होंगे उन्हें वो देश शामिल करेगा तो दर्शक भी खेलों के प्रति आकर्षित होंगे। आपको बता दें कि निशानेबाजी, कुश्ती, T20 क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल जैसे खेल राष्ट्रमंडल खेलों के कोर ग्रुप का हिस्सा है। महिला और पुरुष T20 क्रिकेट, बीच वॉलीबॉल जैसे खेल उन 16 खेलों जो विक्टोरिया में होने वाले खेलों का हिस्सा होंगे। राष्ट्रमंडल खेल संघ ने प्रतियोगिता को किफायती बनाने के लिए कुल 15 खेलों को शामिल करने की सिफारिश की थी। इसमें एथलेटिक्स और तैराकी को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। CGF ने कहा था कि मेजबान देश अपने देश और संस्कृति के मुताबिक खेलों का चयन कर सकता है। और आइए जानते हैं कि इन खेलों के सन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने की कोई उम्मीद बाकी है क्या। आपको बता दें कि मेजबान शहर का ऐलान करते हुए राष्ट्रमंडल खेल संघ ने कहा कि आने वाले वक्त में कुछ और खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा। निशानेबाजी, कुश्ती जैसे जिन खेलों को सन 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं किया गया है उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इस साल के अंत तक 4 से 7 और खेल शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कुश्ती और निशानेबाजी को शामिल कर ही लिया जाए। आपको बताते चले कि ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक खेल या दोनों खेल शामिल हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों शामिल ना हो। अगर दोनों खेलों की बात करें तो निशानेबाजी में शामिल होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि निशानेबाजी में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। सन 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी में भारत के बाद सबसे ज्यादा 9 पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। और आइए जानते हैं कि कुश्ती को शामिल करने की क्या संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि सन 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उस वक्त भी कुश्ती इन खेलों का हिस्सा नहीं रही थी। ऐतिहासिक महत्व का खेल होने के बाद भी कुश्ती ज्यादातर राष्ट्रमंडल देशों में लोकप्रिय नहीं है। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, जापान, चीन, ईरान, तुर्की जैसे देशों का कुश्ती में दबदबा है। ये सभी देश राष्ट्रमंडल देशों में शामिल नहीं है। केवल भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में ही कुश्ती को लोकप्रियता हासिल है। दोनों देशों ने राष्ट्रमंडल खेल में कुश्ती में कई पदक भी जीते हैं। इन दोनों देशों को छोड़कर बाकी राष्ट्रमंडल देशों में कुश्ती ना तो बहुत लोकप्रिय है और ना ही उनके खेल संस्कृति का हिस्सा रही है। और आइए अब जानते हैं सन 2022 के राष्ट्रमंडल खेल भी तो होने वाले हैं, उसमें कौन से खेल शामिल है। आपको बता दें कि सन 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम और वेस्ट मिडलैंड्स के अलग अलग मैदानों में होगा। आपको बता दें कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम और वेस्ट मिडलैंड्स के अलग अलग मैदानों में होगा। 1934 के लंदन और 2002 के मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों के बाद ये तीसरा मौका है जब इंग्लैंड इन खेलों की मेजबानी करेगा। 72 देशों के खिलाड़ी 20 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। इनमें कुश्ती भी शामिल है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में निशानेबाजी, तीरंदाजी जैसे खेल शामिल नहीं है। हालांकि भारत ने जब इन खेलों के बॉयकॉट की धमकी दी तो सुलह का एक फॉर्मूला निकाला गया जिसमें निशानेबाजी और तीरंदाजी के इवेंट को जनवरी सन 2022 में भारत के चंडीगढ़ में आयोजित करने का फैसला हुआ। इस आयोजन में जीते पदकों को जुलाई से अगस्त में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में गिना जाता।
हालांकि ऐसा हो नहीं सका, कोरोना के चलते चंडीगढ़ में होने वाला आयोजन रद्द कर दिया गया। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, राष्ट्रमंडल खेल को लेकर के क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।